राम मंदिर का शिलान्यास किया। और भाइयों और बहनों, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना भाई? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? ये राहुल बाबा मुझे कहते थे, मैं अध्यक्ष था, बड़े ताने लगाते थे राहुल बाबा मुझे, ताना लगाते थे, मंदिर वही बनाओगे, तिथि नहीं बताओगे। अब मैं आज जेतरणा आया हूं, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, मैं तिथि बताता हूं, 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। अब जेतरणा वालों बताओ मुझे बताओ भाई, दर्शन करने हैं या नहीं करने हैं? सबको करने हैं ना, खर्चा होगा ना, मगर मत करना 3 दिसंबर को कमल फूल की सरकार बना दो, भाजपा राजस्थान सरकार, सबको बारी बारी मुफ्त में अयोध्या का दर्शन कराएगी। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी ने भारतीय संस्कृति को हमेशा सम्मान देने का काम किया है। सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, महाकाल लोक बनाया, सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है, बद्री धाम और केदार धाम का भी पुनरुद्धार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं भाइयों और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की, बोलो भारत माता की, भारत माता की। एक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी ने डरे बगैर भारतीय संस्कृति का सम्मान करने का काम किया है। मैं कल यहां आने के पहले हमारा एमएलए का हिसाब किताब पूछ रहा था, तो भाई अविनाश ने बहुत अच्छा काम किया है, परंतु मैं आपको कहता हूं ये तो ट्रेलर है, क्योंकि ऊपर गहलोत की सरकार थी, अविनाश को काम ही नहीं करने दिया, दूसरी बार एमएलए बना दो, भाजपा सरकार होगी और हम इस क्षेत्र को राजस्थान में नंबर 1 का क्षेत्र बनाएंगे। चाहे पानी की समस्या हो, चाहे ढंग का कॉलेज बनाना हो, चाहे चिकित्सा हाल सुधारना हो, हर तरह से हम इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। भाई और बहनों, अशोक गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां ढेर सारे भाई लाल पगड़ी पहनकर आए हैं। अब भाई लाल पगड़ी पहनकर अशोक गहलोत के सामने मत जाना आप, क्योंकि लाल पगड़ी देखकर गहलोत जी चिढ़ जाते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? लाल कलर देखकर मालूम है आपको क्यों चिढ़ जाते हैं भाई? क्यों चिढ़ जाते हैं? लाल डायरी याद आ जाती है, लाल डायरी। गहलोत साहब, आप कुछ भी कर दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और आपका एक एक करप्शन का आना पाई का हिसाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाई और बहनों, गहलोत सरकार ने राजस्थान के 40 लाख युवाओं के साथ छल करने का काम किया है। राजस्थान में जितने पेपर ये 5 साल में लीक हुए भर्ती में, इतने
कहीं भी देश में नहीं हुए। हर पेपर लीक हुआ, कौन कराता है पेपर लीक? यही कांग्रेस के चट्टे पट्टे अपने पट्टों को नौकरी देने के लिए लीक कराते हैं। मैं आपको पूरा सूची लेकर आया हूं, मैं पढ़ता हूं, आप सहमत हो तो पेपर लीक बोलकर रिस्पॉन्स करना, करोगे क्या? मैं बताता हूं, देखिए, कांस्टेबल भर्ती का पेपर, हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती का पेपर, एसआई भर्ती का पेपर, चिकित्सा अधिकारी 2021 परीक्षा का पेपर, सीएचओ भर्ती 2022 का पेपर, लाइब्रेरियन भर्ती की परीक्षा का पेपर, जेईएन सिविल डिग्री का पेपर, आरडब्ल्यूटी लेवल 2 का पेपर, वन रक्षक भर्ती 2020 पेपर, बिजली विभाग में टेक्निकी हेल्पर का पेपर। अब गहलोत साहब, आप पेपर लीक करते रहे, अब मैं राजस्थान में, ये मेरी 21वीं सभा है भाई, मैं गहलोत जी को बताना आया हूं, राजस्थान की जनता ने आपका पेपर लीक कर दिया है। 3 दिसंबर को अभी से तय हो गया है, 3 दिसंबर को कांग्रेस जा रही है और भाजपा आ रही है। भाई और बहनों, एक बात मेरी याद रखना, दिल से लगा कर रखना, एक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। भारत के भविष्य पर जितने भी ग्रहण आए, ये गांधी परिवार और कांग्रेस के कारण ही आए हैं। जब से आपने 26-25 में से 25 सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, भारत का तिरंगा चंद्रयान के साथ चंद्रमा पर पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। जी ट्वेंटी कर भारत की कूटनीति का परचम आसमान में लहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नया पार्लियामेंट का भवन बनाया, कर्तव्य पट बनाया और 11वें नंबर के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाकर देश को समृद्ध करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ चित्रणा वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए कश्मीर को हमारा कर दिया। जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ पार्लियामेंट में, ये राहुल बाबा खड़े हो गए और कहे कि भाई मत हटाओ धारा 370, मत हटाओ। मैंने बोला क्यों नहीं हटानी है? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, 5 साल हो गए खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकड़ चलाने ये नरेंद्र मोदी सरकार है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। आए दिन बम धमाके होते थे और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों को खत्म कर दिया। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। और इसकी जगह यहां क्या हो रहा है? गहलोत सरकार वोट बैंक के लिए आए दिन दंगे होते हैं। कन्हैयालाल तेली को दिन दहाड़े नजरों के सामने चाकू घोंटकर गला काट देते हैं।
चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या होती, वाल्मीकि कृष्ण की हत्या होती और गहलोत सरकार का पेट का पानी नहीं होता। मित्रों 2020 में डूंगरपुर में हिंसा हुई, 21 में बारा में, 21 में झालावाड़ में, 22 में करौली में, 22 में जोधपुर में, छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नोहर, मेवात, मालपुर और जयपुर दंगे करते रहे, गहलोत सरकार चुपचाप बैठी रही। मित्रों रामनवमी के त्योहार पर एक गहलोत सरकार ने प्रतिबंध लगाया और सालासर में राम दरबार पर बुलडोजर लगाने का काम किया, शिवलिंग पर ड्रिलिंग करी है अशोक गहलोत ने। मैं आज राजस्थान की जनता को कहने आया हूं, एक बार मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बना दो, दंगाई राजस्थान छोड़कर चले जाएंगे, यहां किसी की हिम्मत नहीं होगी। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार बनने के बाद तय किया है हमने कि पीएम किसान सम्मान निधि जो 6000 रुपया है इसको हम 12000 करने का काम करेंगे। सभी किसानों का पूरा गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। राजस्थान के किसानों का बाजरा भी MSP पर खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, अब आप चिंता मत करना, गैस के सिलेंडर के दाम जितने बढ़ने हैं बढ़ने दो, राजस्थान की माताओं को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी देगी। माताओं, भाई और बहन,